वो जो सीमेंट थी ना उसे तो अपन रख के आ गए घर पे, क्योंकि उसमें था वजन 20 किलो का, क्योंकि उससे सारा काम बिगड़ रहा था और पापा का बैलेंस भी बिगड़ रहा था बाइक चला। को जो सुबह सुबह दिखाया था ना टूटा फूटा, वो फाइनली बिल्कुल मस्त ठीक हो चुका है। आप देख सकते हैं जब इस पर कलर हो जाएगा ना, जब आपको दिखाएंगे और ये बहुत मस्त लगेगी। कि हमें ना इंजन ऑयल के साथ साथ गियर ऑयल भी डालता है, तो उसमें ये भी डाल ही देंगे, गियर ऑयल डाल देंगे अपन उसमें। गाइस ये है वो अंकल जो अपना स्कूटर ठीक करने वाले हैं, लेकिन अंकल अभी दूसरा काम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू चैनल, मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक हो गए। अपने पीछे आप इतने सारे टूट फूट और नीचे गिरा हुआ चूना देख के तो समझ ही गए होंगे कि अपनी छुट्टी हो चुकी है शुरू और अपना रिपेयरिंग का काम हो चुका है शुरू। तो इसलिए अभी अपन जा रहे हैं सामान लेने के लिए, इसको ठीक करेंगे ना, तो उसके लिए सामान तो चाहिए है, तो सामान अपने घर पे है नहीं, इसलिए अपन को सामान लेना है। तो फटाफट से चलते हैं, और आप देख सकते हैं पापा भी यार पूरे गंदे हो चुके हैं, तो फटाफट से अब चलते हैं सामान लेके आ रहे हैं। ठीक हो जाएगा ना शाम को जब भी आपको दिखाई देंगे। अब अभी अपन सामान लेने जा रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं सारा सामान लेके आते हैं, मस्त मजा आ जाएगा, अपना फेवरेट काम है। लगता है कितनी भारी भारी पट्टियां है उतर रही है, बहुत ज़्यादा भारी है, इन्हें उतारते हुए पता नहीं आ रही इन्हें डर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, वैसे इनकी तो आदत बढ़ चुकी है, इन्हें तो नहीं लग रहा होगा। पापा वहाँ से उठा के लाने में इतने नाटक कर रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं, और क्या बॉडी है पापा की यार। गाइस प्लानिंग कुछ ऐसी हुई है, अपन को अभी इसे घर छोड़ के आना है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, उसके बाद अपन आगे बैठ जाएंगे। सीमेंट थी ना उसे तो अपन रख के आ गए घर पे, क्योंकि उसमें था वजन 20 किलो का, तो अपन उसे वहीं पे रख के आ चुके हैं, उससे सारा काम बिगड़ रहा था और पापा का बैलेंस भी बिगड़ रहा था बाइक चलाने का। और फटाफट से दूसरा सामान लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगेगा, तो अपन आधे वक्त पढ़ाई करेंगे और जब अपना फेवरेट काम आएगा रिपेयरिंग करते वक्त जब अपन देख लेंगे। तो ये डाल दिया, उसके बाद ये डालेगा, और ये रहा, चलिए जाएगा फटाफट से चलते हैं बाइक की तरफ। अपन ने जो आपको सुबह टूटा फूटा दिखाया था ना, वो जो दीवार थी वो यही है, और ये प्लास्टर और पेरिस से पापा ने बिल्कुल मस्त बना दिया। आप देख सकते हैं जब इस पर कलर हो जाएगा ना, जब आपको दिखाएंगे और ये बहुत मस्त लगेगी। अभी अपन है ना बप्पा के साथ आए थे स्कूटर की सर्विस कराने, वो खड़ा बप्पा का स्कूटर, और वो अंदर गए बप्पा, क्योंकि गाइस जिन अंकल के यहाँ पे अपन आया ना, वो अंकल अभी दुकान पे नहीं है, तो उनको बुलाने गए हैं बप्पा शायद से। अब पीछे की तरफ मैं उनका घर, फिर मैं अपना स्कूटर की सर्विस भी हो जाएगी। तो गाइस यार अभी आप सोच रहे हो कि अपन ऐसे पैदल क्यों आ रहे हैं, तो गाइस वजह कुछ ऐसी है, अंकल ने कह दिया है कि मेरे को तो अभी बहुत काम है, तो आप अपना स्कूटर यहाँ पे छोड़ जाओ, फिर शाम के 4-5 बजे आप इसे ले जाना, तो फटाफट से अपन तो पैदल पैदल घर जा सकते हैं, क्योंकि अपना घर यहाँ से पास में ही है, तो फटाफट से पैदल पैदल घर चलते हैं। 1 hour later कि हमें ना इंजन ऑयल के साथ साथ गियर ऑयल भी डलता है, तो वो अपने पास था नहीं, इसलिए अपन लेके आ चुके हैं, आप अपने हाथ में देख रहे हैं। तो जब अपन अभी सर्विस से लेके आ रहे हैं एक्टिवा को, तो अपन जब लेके आएंगे ना अभी, तो उसमें ये भी डाल ही देंगे इंजन ऑयल, तो फटाफट से अब चलते हैं। सॉरी गाइस गियर ऑयल डाल देंगे अपन उसमें, चलिए फटाफट से चलते हैं, चलिए चल के देखते हैं। अंदर खड़ी हो गाइस, अंदर खड़ी होगी अपनी एक्टिवा, तो फटाफट से अंदर की तरफ चलते हैं। भाई ये रही अपनी एक्टिवा, ये ऑयल डालना है इसमें। और अभी अपन को लग रहा है कि पापा पापा को बुलाने की प्लानिंग में है, लेकिन पापा कह रहे हैं कि वो बिजी है। अभी अपन निकल रहे घर की तरफ, पर उससे पहले ये रोड भी क्रॉस करनी पड़ेगी ना, पर कोई किसी का वेट ही नहीं करता, तो अपन रोड कैसे क्रॉस करें, अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है ना, तो फटाफट से घर चलते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हैं आज अपने डिनर में पालक का पराठा, अभी तक तो अपन ने खाया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत गर्म भी है, डरते रहेंगे तो खा ही नहीं पाएंगे। गाइस यम्मी है, बहुत यम्मी है गाइस, चलिए फटाफट से हम खाते हैं, मस्त मजा आ रहा है। खाना पीना खा के अभी अपन आ चुके हैं वॉक पे, वॉक पे तो अपन डेली आते, कभी कभी अपनी वॉक एस्केप हो जाती है, लेकिन कभी कभी होती है, वैसे तो बनाते ही हैं। और अभी अपन जा रहे हैं वॉक पे, तो फटाफट से अपनी फेवरेट जगह पे चलते हैं, और पापा ने तो कहा भरी सर्दियों में भी अपन वॉक पे आएंगे, मज़ा आएगा। और हाँ वैसे अभी अच्छी अच्छी खासी सर्दी है और मज़ा आ रहा है वॉक पे जाने में, तो फटाफट से चलते हैं अब। तो
गाइस अभी हम निकल रहे हैं वॉक से। गाइस वैसे मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा था कि वॉक से निकल, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, सोना भी है घर जाके। और वैसे कल तो अपनी छुट्टी है, लेकिन फिर भी टाइम से सोना ज़रूरी होता, भले जग भले लंबी नींद लेके जग जाओ, लेकिन सो तो टाइम से। यार आज अपन है ना बहुत कम व्लॉग किया, क्योंकि दिवाली की सफाई करनी थी और इसलिए अपन थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे व्लॉग्स आपको मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और अगर उन व्लॉग्स में कोई दिक्कत हो छोटी मोटी भी, तो वो भी आप बता ही देना, तो फटाफट से चलते कर। और आज के लोगों को सही पैन आए हो, आपको अच्छा लगा व्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करना, चल बना तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू स्माइल बिकॉज मेरे सो वैल्यूबल एंड कॉर नथिंग। बाय।